हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी गाइड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एडवर्टाइज नंबर है फेज 6 2018 सिलेक्शन पोस्ट। ठीक है, ये 5 सितंबर से शुरू हो गया है। ठीक है, तो इसमें एक 45 पेज का एक एडवर्टाइजमेंट है, 45 के पेज का। तो आप समझ सकते होंगे कि पूरा मैंने अच्छी तरह से अभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, और इतना नाम अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन इसमें है क्या, एक्चुअली है क्या, ये पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, ये ग्रेजुएट लोगों के लिए है। पहले तो ग्रेजुएशन आपका है तो उन लोगों के लिए है, ग्रेजुएट आप नहीं है तो उन लोगों के लिए भी सीट है। तो देख लेते हैं क्या क्या सीट है। ठीक है, तो ये वैकेंसी रीजियन वाइज वैकेंसी है। ठीक है, ये देखिए, देखिए यहाँ पर देखिए, जूनियर फिजियोथेरापिस्ट, देखिए जूनियर, देखिए जूनियर इंजीनियर MNE मेटलर्जी। ठीक है, ग्रेजुएशन जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, जूनियर इंजीनियर रडार एंड सिस्टम। ठीक है, इसका 9 सीट है। जूनियर इंजीनियर व्हीकल, इसका 9 सीट है। तो ऐसा करके कॉम्बैट व्हीकल इंजीनियरिंग इक्विपमेंट। ठीक है, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए आपका, आपका पास अगर ग्रेजुएशन हो तो आप ये सब देख सकते हैं। ठीक है, मुझे पहले इस 45 पेज को बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, तो फिर मैं बता सकता हूँ जो कौन यहाँ पर अप्लाई कर। फिर भी आपका कोई क्वेरीज रहे, मैं बार बार जो बताता हूँ कि आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करते रहिए। ठीक है, सब एडिटेड इंग्लिश। ठीक है, ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, बहुत सारा साइंटिफिक असिस्टेंट। ठीक है, क्या इन लोगों ने मांगा, साउंड टेक्नीशियन। ठीक है, इसके लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, आप देख सकते कि क्या क्या सीट यहाँ पर निकाला है। ठीक है, जेई जो इलेक्ट्रिकल आता है ये वो नहीं है। ठीक है, SSC जेई जो इलेक्ट्रिकल आता है, SSC जेई मतलब ये देखिए नावल इंस्पेक्टर। ग्रेजुएशन आपका है तो आप बहुत तरह से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आप कौन कहाँ से फॉर्म फिलअप करें इसी जानने के लिए मुझे इस बार एक 45 पेज को बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। ठीक है, देखिए जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। ठीक है, ग्रेजुएशन जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलास्टिक। ठीक है, केमिस्ट्री असिस्टेंट बायोलॉजी फिजिक्स। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। तो फोटोग्राफर। ठीक है, क्वेश्चन जो होगा वो 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। मैं थोड़ी देर में बता दूंगा कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ से आएगा। देख सकते हैं बहुत तरह के डिफरेंट सेट है। ये देखिए जूनियर इंजीनियर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ठीक है, इसमें देखिए जूनियर इंजीनियर सेंट्रल ग्राउंड बोर्ड NWR मतलब नॉर्थ वेस्ट रीजियन में है। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट रीजियन में है और इसमें हायर सेकेंडरी मांगा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर ईस्टर्न रीजन में लेडी मेडिकल अटेंडेंट चाहिए, तो आपका आप मेट्रिकुलेशन हो तो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल ऑपरेटर स्टोर मेट्रिकुलेशन ईस्टर्न रीजन में है। ठीक है, मेडिकल अटेंडेंट मेट्रिकुलेशन। ये देखिए टेक्निकल ऑपरेटर ड्रिलिंग। ठीक है, मतलब आपका मेट्रिकुलेशन हो तो आप दिए देख सकते हैं। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट गंगा रिजर्वेशन फरीदाबाद, वहाँ पर ये ज़रूरी है ईस्टर्न रीजन। ठीक है, एक बार सर्च कर लेते हैं कंट्रोल F दे के ER। ठीक है, तो ER हमारा प्रेफरेंस रहेगा, तो ER कहाँ पर है। ठीक है, ER थोड़ा हम देख लेते हैं ER कहाँ है। ठीक, अब ये नोटिस आपको मतलब ये ऐड आपको SSC.NIC.IN में मिल जाएगा। मैंने दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहा का सिलेक्शन पोस्ट फेज 6। ठीक है, इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, ER यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये तो क्वेश्चन है GI का। ठीक है, ग्रेजुएशन अनुभव लेवल के लिए GI का क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज 25 करके रहेगा 100 मार्क्स का। ठीक है, और अगर HS तक है उसमें क्या रहेगा, GI रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड इंग्लिश रहेगा। बस सिलेबस वैसे के वैसे है, बस थोड़ा लेवल का टफ हो जाएगा। ठीक है, तो SSC CGL CPO और CHSL सॉल्व करने से ये सब आ जाएगा, ऐसा कुछ टफ नहीं होगा। और इसके लिए हम बहुत सारे वीडियो डाल देंगे। प्रॉब्लम तो ऐसे नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो है ER। अभी तो प्रॉब्लम है ER। ठीक है, ER में कैसा कैसा सीट है वो हम देख लेते हैं फिर ईस्टर्न रीजन में। ठीक है, और अगर आप ईस्टर्न रीजन से मतलब और कोई रीजन से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैं भी बता चाहूँगा कि आपका जो रीजन है, या वेस्ट रीजन या नॉर्थ वेस्ट रीजन या साउथ रीजन। ठीक है, तो आपको ऐसे देख लो ER। ठीक
ये देखिए ई आर में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ग्रेजुएशन चाहिए, एक सीट है ठीक है। जूनियर इंजीनियर मेटलर्जी में एक ही सीट है ठीक है। इसमें इन्वेस्टिगेटर ग्रेड टू में ग्रेजुएशन ठीक है, इसमें सीट है, तो ये आप दे सकते हैं। एम एस ओ बिल्डिंग सेक्टर सॉरी ई आर बोटानिकल असिस्टेंट, इसमें आप दे सकते हो, ग्रेजुएशन चाहिए बट सम यानी कि बोटानी में डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेजुएशन चाहिए ठीक है। तो लाइब्रेरियन असिस्टेंट बहुत सारा कुछ चाहिए। जूनियर फिजियोथेरापिस्ट क्या चाहिए उन लोगों का, एडिटर भी चाहिए फिजियोथेरापिस्ट भी चाहिए ठीक है। तो बहुत सीट है इसमें, बहुत सारा वैकेंसी है ठीक है, बहुत सारा रीजन के लिए बहुत सारा वैकेंसी है। तो ठीक है ये फॉर्म आपको डालना ही है ठीक है, 100 रुपीज़ का फॉर्म फिलअप रहेगा और सभी के लिए। ये देखिए फोर मैन असिस्टेंट स्टोर कीपर ठीक है, आपको एक फॉर्म फिलअप करना है। किसको कौन फॉर्म फिलअप करना है मुझे थोड़ा और एक बार पढ़ना पड़ेगा ठीक है, इस वैकेंसी को थोड़ा और एक बार पढ़ना पड़ेगा ठीक है। टेक्निकल ऑपरेटर ड्रिलिंग देख सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। तो जो मुद्दे की बात किया जाए तो ये ग्रेजुएशन या हायर सेकेंडरी बहुत सारा सीट है ठीक है। आप ग्रेजुएशन हो या तो हायर सेकेंडरी हो ठीक है, आपका डिप्लोमा ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स है फिर भी आपका ये सीट है ठीक है। तो उन लोगों के लिए बता चाहूँगा, वो आपको फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ssc.nic.in में ठीक है। हम दिखा देंगे कैसे फॉर्म फिलअप किया जाएगा इसका ठीक है। तो उतने देर के लिए थोड़ा बहुत मुझे टाइम दीजिए, इस 45 पेज का जो एडवर्टाइजमेंट है इसको पढ़ने के लिए मुझे थोड़ा तो टाइम चाहिए ठीक है। मैंने कल ही देखा था, अपलोड नहीं किए कल क्योंकि टाइम नहीं, आज तो भूल ही गए थे इसके बारे में, तो हम टाइम अराइव कर देते। तो आप लोगों को भी मैं कहूँगा कि एक बार थोड़ा सा इसको रीडिंग थोड़ा सा देख लें ठीक है। रीडिंग इसको पढ़ना नहीं है ठीक है, इसको पढ़ के कुछ तो मिलने वाला नहीं है ऐसा कुछ ठीक है। ठीक से नहीं भी दिया गया ठीक है, एज लिमिट मतलब ये देखिए इन द एनेक्स्टर वन में अगेंस्ट ईच कैटेगरी ऑफ द पोस्ट ठीक है। एनेक्स्टर वन जो है अभी इसका एनेक्स्टर वन कहाँ है एक बार देख लेते हैं, कॉपी ऐसे कि एनेक्स्टर वन मिल जाएगा या और एक पीडीएफ है ठीक है। एनेक्स्टर वन ऑफ द नोटिस, एनेक्स्टर वन कहाँ मिलेगा एक मिनट, जेई आदर ठीक है इसमें नहीं मिल रहा है ठीक है। तो हम एनेक्स्टर वन एक बार ढूंढ लेंगे ठीक है। इसका एनेक्स्टर वन तो हमें नहीं मिल रहा है ठीक है, अगर मिल जाएगा तो थोड़ा बहुत डिटेल्स हम भी जान जाएंगे। तो देखते रहिए और फॉर्म कैसे फिलअप करना है ये भी हम बोल देंगे ठीक है। बहुत सारा फॉर्म फिलअप कर सकते हो, बहुत सारा वैकेंसी है ठीक है। तो थोड़ा वेट कर लीजिए, हम पूरा बता देंगे ठीक है, क्लियर कर देंगे डाउट। और जो क्वेश्चन होगा आपका ठीक है वो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर डालिए ठीक है, नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन क्या है।